क्यों ओके क्लास, गुड आफ्टरनून अगेन, वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नाउ टुडे वी विल यस नाउ टू टुडे वी विल रीड चैप्टर 3। ओके यस, चैप्टर 3 आपका पिछले क्लास में हुआ था क्या? आपके पीछे पीछले यस कहाँ थे हम लोग? टाइप्स ओके, टाइप्स ऑफ शेल्टर देयर, ऑफ दिस वन, टाइप्स शेल्टर ऑफ शेल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स। ओके, यहीं से स्टार्ट करना है आज, सर। फ्रॉम फ्रॉम हियर ना? यस। ओके एवरीवन, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बी रिवाइज लास्ट क्लास। ओके ठीक, यस हियर। भीम बटेका रॉक शेल्टर, दिस वन है। ओके, भीम बटेका, वेयर इज भीम बटेका रॉक शेल्टर? भीम बटेका रॉक शेल्टर का, यस मध्य प्रदेश, यस मध्य प्रदेश है ना। ये एशियन टाइम में बनाया गया एक शेल्टर था। एशियन टाइम इट मींस प्राचीन समय में, बहुत पहले के समय में, अप्रोक्स 9000 ईयर्स अगो, ये है ना, इस समय का ये बनाया गया था। इसमें परमानेंट पेंटिंग्स थे, लगभग मोर देन 400-700 पेंटिंग्स इसमें ड्रॉ किए गए थे। पेंटिंग्स किसके बारे में बतलाते हैं? पेंटिंग्स जो था उसमें, पेंटिंग जो बनाया गया था केव्स में, वो किसके बारे में बतलाता है? हम लोग को पेंटिंग से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? व्हाट इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम पेंटिंग? यस यस, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द पेंटिंग? एंड यस में कैसे सब रहते थे उसके बारे में बताया गया यस, प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में बतलाता है। एशियन समय में कैसे ह्यूमन बींग जो थे सर्वाइव करते थे, कैसे रहते थे, है ना, कैसे चीजों को जीते थे, करते थे, उनके बारे में बतलाता है पेंटिंग। ओके यस, है। हिस्ट्री ऑफ द हाउसेस, हिस्ट्री ऑफ द हाउसेस में क्या हम लोग पढ़े थे? जो सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ द हाउसेस में सबसे पहला जो शेल्टर बना था ह्यूमन बीइंग का, वो क्या बना था? केव। क्या बना था? केव। ओके यस, सबसे पहला शेल्टर जो था ह्यूमन बीइंग का क्या था? वो केव था। सबसे पहला शेल्टर क्या था? केव था। सबसे पहला शेल्टर क्या था? केव था। ठीक है, यस, अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ द शेल्टर फॉर मेन क्या था? केव था। ठीक है ना, केव का जरूरत उन लोगों को क्यों पड़ा? इट मींस उन लोगों को शेल्टर का जरूरत क्यों पड़ा? व्हाई दे नीड शेल्टर? क्योंकि वो बारिश से सबसे बच सकते थे शेल्टर से। यस, व्हाई दे नीड शेल्टर? क्योंकि जब उन लोग फूड प्रोड्यूसर बन गया था, ओके, जब फूड प्रोड्यूसर बन गया था, दिस वन, ओके, फूड प्रोड्यूसर बन गया था। फूड प्रोड्यूसर बनने के बाद क्या हो गया था? दे गैदर देयर फूड्स, ठीक है ना, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए थे, धीरे धीरे हंटिंग्स करते थे, उन सब चीजों को जमा करना स्टार्ट कर दिए थे। ये भी बताया थे कि जैसे जैसे उन लोग बढ़ते गए, इट मीन्स कुछ समय गुजरने के बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया? हट का भी डिस्कवर कर दिया, झोपड़ी बनाने के लिए भी सीख गए, है ना। झोपड़ी बनाने के लिए क्या क्या यूज करते थे? ब्रांचेज लीव्स ऑफ ट्री। ओके, ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ ट्री, हट्स के, हट्स बनाने के लिए क्या क्या यूज करते थे? ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ ट्री। ओके, उसके बाद कुछ समय के बाद और जब आगे समय गुजर गया, तो इसके बाद फिर उन लोग जो है ना
जो हट्स बनाए थे, जो झोपड़ी बनाए थे ब्रांचेज और लीफ से, उसमें भी क्या स्टार्ट कर दिए थे, उसके वॉल बनाना। किस चीज का वॉल था? मड वॉल, ठीक है ना, मड वॉल है ना, मड के मिट्टी के वॉल बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ओके, ये सब पढ़े थे ना कल हम लोग। सर। यस, वी हैव कम अ लॉन्ग अवे लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम्स व्हेन हर्ट्स वर द ओनली टाइप्स ऑफ द शेल्टर। कह रहा है कि जब सिर्फ और सिर्फ केव और हर्ट्स जो था ना, शेल्टर का एक ओनली टाइप्स था, ठीक है ना, सिर्फ शेल्टर का, शेल्टर के टाइप में हर्ट्स को ही देखा जाता था या केव को ही देखा जाता, केव को ही माना जाता था। शेल्टर, हर्ट्स, हर्ट और जो केव को रखा जाता था, उस समय से हम लोग काफी आगे आ चुके हैं अभी, है ना, काफी आगे आ चुके हैं, लंबा समय गुजर चुका है जब सिर्फ शेल्टर के पर यस, जब शेल्टर के फॉर्म में सिर्फ हम लोग हार्ट का या केव का यूज करते थे, उस समय से हम लोग काफी लंबा समय आगे आ चुके हैं। आज का दिन क्या है? टूडे वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज, डिफरेंट टाइप्स साइज एंड द डिजाइन ऑफ द हाउसेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जिस समय सिर्फ आपके पास शेल्टर के लिए कुछ ही ऑप्शन थे, कुछ ऑप्शन नहीं, ओनली ऑप्शन क्या था, एक ओनली ऑप्शन हट। ओके, सिर्फ ओनली ऑप्शन में क्या था? हट था, ठीक है ना, जब सिर्फ एक आपका शेल्टर के लिए हट था, उस समय को छोड़ करके हम लोग लंबे समय बाद फिर आ गए हैं अभी के समय में, और अभी के समय में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे शेल्टर के टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे में हम लोग यूज करते हैं पक्का हाउस के रूप में, बंगला यूज करते हैं, फ्लैट यूज करते हैं, स्काई स्कैपस यूज करते हैं, है ना, तो इन सब चीजों को यूज करते हैं। साइज भी अलग अलग होता है सभी का, बंगलो का साइज, स्काई स्कैपर्स का साइज, तो इन सब चीजों का साइज जो है ना बिल्कुल अलग अलग होता है, और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में जो है ना ये सब घर बने हुए होते हैं। ओके, यस, तो पहले के समय में ओनली ऑप्शन आपके पास टाइप्स ऑफ शेल्टर में क्या था? हट, ठीक है ना, और अभी हमारे पास ऑप्शन कितने टाइप्स ऑफ शेल्टर देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ शेल्टर में अभी हमारे पास कितना है? हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर हमारे पास, डिफरेंट साइज के शेल्टर हैं, डिफरेंट डिजाइन के शेल्टर हैं, है ना। द रीजन वेरिएशन इन हाउस अराइज फ्रॉम डिफरेंस इन द लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट्स, मटेरियल अवेलेबल फॉर बिल्डिंग ए हाउस एंड ऑफ कोर्स मनी दैट वन वांट टू स्पेंड ऑन द लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। कह रहा डिफरेंट रीजन में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का घर बना हुआ देखने को मिलता है, जैसे में हम लोग पढ़े हैं हिली एरियाज के बारे में, हिली एरियाज में कैसा घर बना हुआ होता है। आपके क्लास में ये चैप्टर नहीं है अभी हुआ है? नहीं, फाइव फाइव सी में हुआ। ओके, देखिए, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके का घर बना हुआ होता है, जैसे में आप बिहार में रहते हैं तो आपको यहाँ पे जितने भी घर देखने को मिलते होंगे उनका जो रूफ होता होगा ना वो सिमिलर रहता है। कैसा रूफ है? फ्लैट रूफ है कि नहीं, आपके घर में भी बिल्कुल फ्लैट रूफ होगा, है ना। यस यस, लेकिन अगर आप यही हिली एरिया में चले जाओ जहां पे पहाड़ है, पहाड़ वाले रीजन में चले जाओ, है ना, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, सिक्किम चले जाओ, असली कश्मीर चले जाओ, तो वैसे रीजन में क्या होता है, उस पार्टिकुलर रीजन में क्या होता है, वहां पे जो आपके रूफ मिलेंगे ना, छत के जो रूफ होते हैं, घर के जो रूफ होते हैं, वो जो मिलेंगे वो स्लोप रहेंगे। स्लोप मीन्स ट्रायंगल के जैसा बना हुआ रहता है, स्लाइड जैसा बना हुआ होता है, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस रीजन में स्नोफॉल होते हैं, रेन होता है, तो स्नोफॉल और रेन होने से आसानी से वो स्लाइड करके स्नो जो है ना गिर जाए, या बारिश का पानी जो है ना आसानी से स्लाइड करके फ्लो कर जाए। ओके,
पेज नंबर 18 आपको क्लियर दिख नहीं रहा है क्या? पेज नंबर वहां पे मेंशन किया हुआ ना, लेकिन आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस बना रहे हो, वो भी यस हमारे क्या क्या फैक्टर होता है डिफरेंट रीजन में डिफरेंट शेल्टर होने का? पहला है लैंडफॉर्म, दूसरा है क्लाइमेट, और तीसरा है मटेरियल्स अवेलेबल। जिस जगह पे आप रहते हैं वहां कौन सा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसी मटेरियल से हम लोग अपने घर को बिल्ड करते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं। जैसे मान लिया कि आपके पास, आपको घर बनाना है, स्नो हाउस, इग्लू बनाना है, फॉर एग्जाम्पल इग्लू आपको बनाना है ना, स्नो हाउस। तो आपको इग्लू बनाने के लिए क्या चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए आपको? आइस चाहिए, आइस चाहिए ना। तो आइस आपके पास अवेलेबल है यहाँ नॉर्मली नेचर में अवेलेबल है? नहीं। तो आपको उस पार्टिकुलर रीजन में, है ना, जहां पे आइस मिलता है वहीं पे आपको जा करके या वहीं से उस मटेरियल को लेकर के वो आपको वहां पे बनाना पड़ेगा, है ना। तो यही लिख रखा है यहाँ पे कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हाउसेस बने हुए होते हैं, और उसका मेन फैक्टर क्या क्या होता है? लैंडफॉर्म, भूमि का फॉर्मेशन कैसा है, हिली एरियाज है, प्लेन है, कोस्टल एरियाज है, ये हो गया। क्लाइमेट, आपका क्लाइमेट भी डिपेंड करता है। कोल्ड क्लाइमेट में आप नॉर्मल ऐसा वाला घर पक्का हो जो आप लोग रहते हैं वैसा नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, या हॉट क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट के बेसिस पे भी हम लोग घर को उस तरीके से बनाते हैं, जैसा क्लाइमेट जिस एरिया का रहता है वैसे ही घर बनाते हैं। मटेरियल अवेलेबल के बारे में बता दिए, जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है उसके बारे में बतला दिए ना। यस, जो घर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का जरूरत पड़ता है उन सब चीजों के बारे में, या उन सब चीजों के उपलब्धता के बारे में बतला रहा है। ये तीन मेन फैक्टर होते हैं कोई भी जगह पे, किसी भी जगह पे हम लोग जो घर को बिल्ड करते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसका मेन फैक्टर ये तीन है। फर्स्ट वन इज लैंडफॉर्म, सेकेंड वन इज क्लाइमेट, एंड थर्ड वन इज मटेरियल अवेलेबल। ओके, घर बनाने के लिए डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हाउसेस होने का मेन फैक्टर क्या क्या है? क्लास, रीजन क्या है डिफरेंट डिफरेंट हाउस होने का? डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हाउस होने का रीजन क्या है? क्लाइमेट सर, लैंडफॉर्म लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सर, क्लाइमेट मटेरियल यस, मटेरियल्स अवेलेबल, अवेलेबल यस। ओके, टाइप्स ऑफ शेल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म। एवरीवन म्यूट योर माइक एंड लिसन केयरफुली। टाइप्स ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म, अभी हम लोग तीन फैक्टर पढ़े ना। एवरीवन गुड म्यूट योर आफ्टरनून माइक। सर, व्हिच, हो गया कौन है? कौन है सर, आपकी आवाज दो दो बार आ रही है सर। एक और है मेरी सर, आवाज कोई और दो दो बार शशि सर, एक और कोई मे शशि कपूर से सेव किया हुआ है सर। नहीं, वो मेरा ही है, वो आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है उसमें। ओके, वो म्यूट है किया हुआ, वो उससे आवाज नहीं आ रहा, वो रिकॉर्डिंग चल रहा है इसीलिए। सर तब तो समर्थ का माइक ऑन और शिवांश का सर। यस, आपके साइड में किन्हीं का जो है ना आवाज जो है ना इको हो जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग माइक को म्यूट करके रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तभी माइक को अनम्यूट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग तीन फैक्टर पढ़े ना, तीन फैक्टर पढ़े हैं शेल्टर का, शेल्टर डिफरेंट शेल्टर होने का तीन फैक्टर। फर्स्ट वन इज लैंडफॉर्म, फर्स्ट वन इज
लैंड फॉर्म, सेकेंड वन इज क्लाइमेट एंड थर्ड वन इज मटेरियल अवेलेबल। अच्छा यस मटेरियल अवेलेबल है ना, अभी हम लोग पढ़े ये तीन, दिस वन, तीन फैक्टर, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, मटेरियल अवेलेबल, पढ़े ना ये तीन फॉर्म्स। अब ये तीन फॉर्म्स में से आपको एक फॉर्म के बारे में आप पढ़ना, सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म के बेसिस से शेल्टर्स के टाइप्स पढ़ने के लिए हैं आपसे, क्लियर? यस। देखिए लैंड फॉर्म्स क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे हिली एरिया, बताए थे ना हिली एरिया, प्लेन्स, प्लेन्स एरिया कोस्टल है ना, कोस्टल, कोस्टल एरियाज, ये आपके तीन लैंड फॉर्म्स अभी पढ़ने के लिए हैं। ओके तीन लैंड फॉर्म्स पढ़ने के लिए है। यस ओके तीन लैंड फॉर्म्स पढ़ने के लिए है अभी आपको, ठीक है? तो तीन लैंड फॉर्म्स में फर्स्ट आपका पढ़ने के लिए है हिली एरिया, लिखा हो ना हिली एरिया। हिली एरियाज में कैसे घर बने हुए थे, हिली एरियाज हाउसेस आर बिल्ट विद द स्लोपिंग रूफ, कैसा रूफ होता है, स्लोपिंग रूफ होता है। आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फिगर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, क्लियर? यस सर। ओके यस, ये आपका जो फिगर दिख रहा है आप इसमें देखिए, जो यहाँ इस घर का जो रूफ बना हुआ कुछ इस शेप में ऐसे बना हुआ है, वी शेप में बना हुआ ना, ट्रायंगुलर शेप में आपका ये दिख रहा है, ये नो है ना, सर। ये आपको दिख रहा होगा, जिनको नहीं दिख रहा हो उनके नेटवर्क इश्यू हो रहेंगे इसके कारण, ठीक है ना? तो ये जो दिख रहा है आपका जो रूफ बना हुआ है हिली एरियाज में, उस घर का रूफ कैसा बना हुआ है, स्लोपिंग रूफ बना हुआ है, देखिए ये स्लोप के जैसा ये है ना, ढलाव, ढलाव रूफ बना हुआ है। इससे क्या होता है कि जो वहां पे बर्फ होता है, जो बर्फ गिरते हैं या जो रेन रेन होता है, वो इजिली जो है ना इससे स्लाइड होकर के और आराम से क्या हो जाता है यहाँ पे, नीचे गिर जाता है, इधर आकर के नीचे आराम से ऐसे फॉल कर जाता है, ठीक है? ये इधर आकर के फॉल कर जाता है ऐसे करके, ठीक है? ये ऐसे स्लाइड करके फॉल कर जाता है, ठीक है ना? येलो लाइन आपका फॉल करने वाला बनाया गया है, क्लियर? तो हिली एरियाज में कैसे घर बने हुए होते हैं, बिल्कुल स्लोपिंग रूफ बने हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है, स्लोपिंग रूफ क्यों बना हुआ होता है, ठीक है ना? ताकि जो वहां पे ज्यादा स्नो, हाँ स्नो और रेन जो होता है वो इजिली जो है ना स्लाइड कर करके गिर जाए, और देखिए स्नो और रेन जो है ना इजिली जो है ना वो स्लाइड करके गिर जाए, ताकि आपका जो हाउस का रूफ है उसको डैमेज होने से वो बचाता है, ठीक है ना? क्योंकि अगर इसके ऊपर में अगर ये स्लोपिंग रूफ नहीं रहा, ठीक है ना, स्लोपिंग रूफ अगर ये नहीं रहा, ये जो रूफ है ये स्लोपिंग रूफ अगर नहीं रहा, तो स्नो जो फॉल करेगा वो कंप्लीट रूप से इसके ऊपर ऐसे जम जाएगा। यहाँ पे ये वाला रीजन दिख रहा है ना, स्नो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना सभी को, तो ये जो रीजन है ना यस ये इधर देख रहे, देख रहा है ये सब जो है ना स्नो जमा हुआ है, ठीक है ना, स्लोपिंग रूफ में, है ना? अगर ये कंप्लीट रूप से ऐसा फ्लैट फ्लैट रहता रूफ, तो और भी इस पे स्नो जो है ना फॉल करते गिरते और ये कंप्लीट रूप से इसको इसके ऊपर फ्रीज हो जाता, जम जाता है ना, और जमने के बाद क्या करता है, ये आपके रूफ को डैमेज करने लगता, ठीक है ना, डैमेजिंग योर द रूफ, ठीक है ना, घर के रूफ को क्या करता है वो डैमेज करने लगता है। इसीलिए हम लोग हिली एरियाज में कौन सा रूफ यूज करते हैं, स्लोपिंग रूफ यूज करते हैं, क्लियर? आपके बुक के पेज पेज में भी पिक्चर दिख रहा होगा, पेज नंबर 18 में दिख रहा है ना पिक्चर स्लोपिंग रूफ का, यस सर यस दिखता दिख रहा है गौरी, बुक देखो है ना पिक्चर है। हाँ तो क्यों होता है स्लोपिंग रूफ, ताकि वो आपके घर के रूफ को, जो घर का जो रूफ होता है उसको प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट करे इट मींस डैमेज से उसको बचाए, ठीक है ना? कैसे डैमेज होगा, जो स्नो होगा वो उस पे फ्लैट सरफेस अगर रहता तो स्नो जो रहता ना उस पे क्या हो जाता, फ्रीज हो जाता, जम जाता वहीं पे, और वो आपके रूफ को क्या करने लगता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ओके यस, सच सर। हाउसेज आर फाउंड इन श्रीनगर एंड शिमला, ऐसे हाउस स्लोपिंग रूफ वाले हाउस जो है ना वो कहाँ
आपको जनरली देखने को मिलेंगे, हिली एरियाज में देखने को मिलेंगे, और वो जो हिली एरिया जो जहाँ पे स्नोफॉल होता है वो है श्रीनगर और शिमला। ये जनरली जो है ना कोल्ड रीजन है। ये क्या है, जनरली जो है ना कोल्ड रीजन है। कोल्ड रीजन है यहाँ पे, जनरली ठंड के मौसम में जो है ना, यहाँ पे जब कोल्ड क्लाइमेट कोल्ड वेदर आता है तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो है ना स्नोफॉल होता है। और इस एरिया में क्या होता है, यहाँ पे जो घर बनाया जाता है वो स्लोपिंग रूफ का बनाया जाता है। ओके, स्लोपिंग रूफ का घर बनाया जाता है, ठीक है। श्रीनगर और शिमला, ऐसे घर कहाँ पे फाइंड देखने को मिलते हैं, वेयर वी कैन सी दैट टाइप्स ऑफ हाउसेस? श्रीनगर यस, श्रीनगर एंड शिमला। एंड द हाउसेस आर मेनली मेड, शिमला। यस यस, हु इज जम्मू एंड कश्मीर ऐसे नहीं हाउस जम्मू एंड कश्मीर? श्रीनगर, यू नो द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? श्रीनगर, मैं तो बोला ना श्रीनगर में भी होता है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर के ही रीजन में ये आता है ना श्रीनगर। होते। यस सर, जम्मू और कोई बात नहीं कश्मीर हो, पे दो। यस, जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है ना श्रीनगर। पहले आपका ये स्टेट कैपिटल में आता था, है ना, लेकिन अब क्या आ जाता है, इंडियन कैपिटल ट्रेड, अब क्या आ यही जाता है, करना स्टेट कैपिटल में, स्टेट कैपिटल से ये हट करके अब इंडियन टेरिटरीज में आ रहा है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर। तो श्रीनगर एंड शिमला में दिस टाइप्स ऑफ हाउसेस देखने को मिलते हैं। द हाउसेस आर मेनली मेड अप ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड वुड। हिली एरियाज में जो स्लोपिंग रूफ वाले हाउस होते हैं वो किन चीजों से बने होते हैं, कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है, सीमेंट ब्रिक्स एंड वुड। ओके, किन चीजों से बना हुआ होता है, क्लास, किन चीजों से बना हुआ होता है, सीमेंट ब्रिक्स एंड वुड। सीमेंट ब्रिक्स सीमेंट यस, स्लोपिंग एंड रूफ जो हिली एरियाज में बने हुए होते हैं उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, सीमेंट ब्रिक्स। यस, सी ब्रिक्स एवरीवन, सीमेंट ब्रिक्स एंड वुड। ओके, सीमेंट ब्रिक्स एंड वुड। हिली एरिया सभी का कंप्लीट हो गया। हिली एरियाज कौन से, यस हिली एरियाज, हिली एरियाज में कैसे हाउस बने हुए होते हैं, स्लोपिंग 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 रूफ वाले हाउस बने हुए होते हैं। कैसा हाउस, कैसा रूफ रहता है, स्लोपिंग रूफ रहता है, ठीक है। यह स्लोपिंग रूफ क्यों होता है, ताकि आपके रूफ को रूप डैमेज, यस यस आसानी यस, से। स्लोपिंग रूफ क्यों होता है, ताकि ये आपके घर के छत को डैमेज होने से बचाए। ओके, यस सर, और घाट ठंडा हो यस, और अगर फ्लैट सरफेस रहता तो उस पे बर्फ आकर के फ्रीज कर जाता, और फ्रीज करके क्या हो जाए, उस घर के टेम्परेचर को क्या करता, पूरा ठंडा करके रखता। तो आपके टेम्परेचर जो वहां तो पहले ही से एक टेम्परेचर जो है ना आपका डाउन रहता है, ऊपर से घर के छत के ऊपर बर्फ अगर रहता तो और भी टेम्परेचर को वो क्या कर देता, डाउन कर देता, और डैमेज भी करता। मेन होता कि आपका ये जो है ना रूफ को डैमेज करता। ओके, नाउ सेकेंड वन इज आपका बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स में, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिली एरियाज पढ़ लिए, दूसरा आप लोग पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, ठीक है। आप लोग ऐसा कीजिए, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, टाइप्स ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड लैंड फॉर्म। एवरीवन ओपन योर CW कॉपी और रफ कॉपी, वॉट एवर। शिवांश, पिक, ओपन योर CW कॉपी और रफ कॉपी, वॉट एवर जो भी है आपके पास, CW कॉपी या रफ कॉपी जो भी है आपके पास, आप जल्दी से उसको ओपन करेंगे और हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलेंगे। ओके, राइट डाउन करते चलेंगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी रहेगा, चैप्टर को लर्न भी करेंगे साथ साथ, राइट भी करते रहेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सभी का कैमरा क्यों ऑफ होने लगा है? राइट ऑन नहीं कर रहे क्या? राइट ऑन करिए सीडब्ल्यू की कॉपी में और लिखिए टाइप्स ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म। फर्स्ट आपका यहाँ पे है लिखा हुआ या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट आपका हो जाएगा बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। यस, बट यू ऑल्सो राइट इन योर सी डब्ल्यू कॉपी। ओके प्लेन्स, और थर्ड वन इज कोस्टल एरिया। तीन लैंडफॉर्म्स के बारे में अभी पढ़ना है, सभी को एकदम बिल्कुल इजीली क्लियर दिख रहा होगा, हिली एरियाज, प्लेन्स और कोस्टल एरियाज। सिद्धार्थ पढ़ाई हो रहा है, लिख लिए? यस सर। सर यार आपका नाम याद है भी हो गया है। क्या यार सर, आप और लोग डायरेक्ट ओनली पॉइंट क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट सर, करें? ओनली पॉइंट लिखे डायरेक्ट। यस यस यस, टाइप्स ऑफ शेल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म, ये लिख दीजिए आप पॉइंट, ठीक है ना? ये ओके ओके, वेरी गुड। दो स्टूडेंट हुए हैव कंप्लीटेड, वेरी गुड। यस ओके ओके ओके, आई हैव आल्सो डन सर। आई हैव डन सर। ओके। आई हैव डन सर। और भी आपके फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं करते हैं ग्रुप में लाइव क्लासेस, सिर्फ आप लोग कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 19 में आप दो कम कर लो, क्योंकि उसमें दो तो आपके टीचर्स ही हैं। सर 17। हाँ, और टोटल स्ट्रेंथ कितना है आपके क्लास का? सर 43। 43 स्ट्रेंथ है, सिर्फ 17 ज्वाइन करते हैं क्लास। ओके सभी लोग राइट डाउन कर लिए? यस सर। यस सर हो गया? यस। प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे ना, प्लेन्स। यस इन अ प्लेन्स हाउसेस। यस In plains, houses are built with thick walls and high flat roofs to keep them cool in the summer. ठीक है, करा कि प्लेन्स पे, प्लेन्स मतलब वैसे लैंड जहां पे नॉर्मली जनरली हम लोग सभी लोग रहते हैं, फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस वाले लैंड को प्लेन्स कहा गया है यहाँ पे, ठीक है ना? प्लेन्स है ना, प्लेन्स में जितने भी घर बने हुए होते हैं वो थिक वॉल से बने हुए होते हैं और ऊंचे वॉल से बने हुए, ऊंचे और मोटे दीवार से बने हुए होते हैं, जस्ट लाइक योर हाउसेस, योर स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग, नाइवर्स बिल्डिंग जितने भी आप देखते हो ना, उस सभी जो है ना आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, मोटे दीवार से बने हुए होते हैं, मोटे वॉल रहते हैं और ऊंचे वॉल होते हैं। देखे हैं आप सभी लोग, आपका घर भी उसी तरीके से बना हुआ, आपका घर भी किस में आता है? प्लेन्स में आता है। प्लेन्स हाउसेस में जितने भी आएंगे ना, आपका घर, हॉस्पिटल बिल्डिंग, आपके स्कूल बिल्डिंग, ये सब किस में आएंगे? प्लेन्स में आएंगे। क्लियर?
और ये कैसे बने हुए होते हैं? प्लेन्स हाउसेस कैसे बने हुए होते हैं? हाई एंड थिक वॉल, ऊंची और मोटी दीवार से बने हुए होते हैं, ठीक है। पहला फीचर इसका। दूसरा क्या है? यस सर, ताकि एक जगह पे बहुत सारे लोग रह सकते। फ्लैट रूफ टू कीप देम कूल इन द समर, और जो उसके रूफ होते हैं प्लेन्स में, जो रूफ बने हुए होते हैं घरों का, वो कैसा रूफ होता है? फ्लैट रूफ होता है। अभी हम लोग हिली एरियाज का पढ़े थे ना, हिली एरियाज में जो रूफ बना हुआ था वो कैसा था? स्लोपिंग रूफ था। कैसा रूफ था? स्लोपिंग रूफ था, है ना। स्लोपिंग रूफ के बारे में पढ़े ना, लेकिन जब प्लेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो प्लेन्स में रूफ का टाइप कैसा होगा? तो फ्लैट रूफ होगा, फ्लैट रूफ होगा, है ना। कैसा रूफ होगा? फ्लैट रूफ। ओके, आपका ये फ्लैट रूफ रहेगा, फ्लैट रूफ, ठीक है ना। तो प्लेन्स में कैसे रूफ होते हैं? फ्लैट रूफ होते हैं, क्लियर। हिल एरियाज में कैसे रूफ होते हैं? स्लोपिंग, और प्लेन्स में फ्लैट। फ्लैट। यस, फ्लैट क्यों होते हैं? ताकि वो आपको समर सीजन में, समर के समय में, गर्मी के समय में ठंडा रखे, ठीक है ना। जैसे अभी आपका समर समय है, समर सीजन चल रहा है ना, तो समर के सीजन में वो आपको ठंडा रखे, फ्लैट रूफ रहने का ना, वो ठंडा रख सके। इसीलिए हम लोग दीवाल को भी ऊंचा बनाते हैं, दीवाल को मोटा बनाते हैं, ताकि जो आपका सन रेज से जो टेम्परेचर, जो हीट मिलता है, वो रूफ को या फिर आपके वॉल को जो है ना पार करके हीट ट्रांसफर ना हो, ठीक है ना। आपके रूम को, आपके घर को ठंडा रखने में भी हेल्प करता है ऊंचा और मोटा वॉल होता है तो, या फिर आपका जो रूफ फ्लैट रूफ होता है इससे, क्लियर। द मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट्स एंड ब्रिक्स। जो मटेरियल्स यूज होते हैं घर बनाने में, वो मुख्य रूप से मेन मेन मटेरियल आपका जो है ना, ऐसे तो हम लोग लगाने के लिए बहुत सारे चीज लगा सकते हैं घर में, है ना। टाइल्स लगा सकते हैं, मार्बल्स लगा सकते हैं, है ना। बहुत सारे डेकोरेट करने के लिए हम लोग स्टोन्स वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन मेनली रूप से, आपके मुख्य रूप से जो ये प्लेन्स पे घर बने होते हैं उसके लिए क्या यूज होता है? सीमेंट्स यूज होता है और ब्रिक्स यूज होता है ना। ब्रिक्स एंड सीमेंट्स यूज होता है, क्लियर। ब्रिक्स एंड सीमेंट्स यूज होता है, ओके। यस, मेनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। यहाँ पे आपको एक फिगर में दिख रहा होगा आपके बुक में, देखिए कुछ लोग जो है ना यहाँ पे छत पे ऐसे सोए हुए हैं, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला रीजन, ये वाला पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है ना। आप अपने बुक में देखिएगा, आप अपने बुक में सभी लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना। यस, इसमें क्या है, लोग छत पे ऊपर में सोए हुए हैं, दिख रहा है सोए हुए लोग, है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग? जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ता है, इट मीन्स लाइक राजस्थान, आपके कंट्री इंडिया में राजस्थान जगह है, वो काफी गर्म जगह है, पता है सभी को, वहां पे डिजर्ट भी है। कौन सा डिजर्ट है वहां पे? सहारा डिजर्ट। हाँ, सहारा डिजर्ट, ठीक है ना। हाँ, तो फ्लैट रूफ होने का एक ये भी एडवांटेज होता है कि जब जिस रीजन में गर्मी ज्यादा पड़ती है, उस रीजन में लोग जो है ना छत पे भी सोते हैं। कब सोते हैं? दिन के समय में। सर, रात में तो, रात के समय में सोते हैं, क्योंकि दिन के समय में सोना पॉसिबल नहीं है ना, सन हीट से, सन के रेज, हाँ सन के रेज से सोना पॉसिबल नहीं, गर्मी में कोई भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा सोना। तो फ्लैट रूफ होने का एक ये भी फायदा है कि जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ता है उस रीजन में, रात के समय में लोग छत पे सोने के लिए भी यूज करते हैं, ओके। यस, ठीक है आपका। तो आज हम लोग हिली एरियाज पढ़े, टाइप्स ऑफ शेल्टर्स पढ़े, क्योंकि आपका टाइम बस होने ही वाला है मे बी, तो कभी भी आपका जो है ना वो क्लास बंद हो जाएगा, 40 मिनट्स हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन सिटीज हाई राइज अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ द लिमिट लैंड एंड लिमिट पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन।
कराया कि बहुत सारे शहरों में हाई अपार्टमेंट, हाई बिल्डिंग, स्काई स्काइपर्स देखने को मिलते हैं, गगनचुंबी इमारतें, इसको हम लोग गगनचुंबी इमारतें कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लंबा लंबा सा, ये देखिए आपको लंबा लंबा सा दिख रहा है ना, इसको हम लोग स्काई स्काइपर्स